क्या आपको पता है कि पंचायत के बन राक्षस यानी कि दुर्गेश कुमार, जो थोड़ा नकारात्मक लेकिन कॉमेडी से भरे चरित्र को ओटीटी में प्रेजेंट किया। देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वो मजबूरन सॉफ्ट पोर्न में भी एक्टिंग किए थे, लेकिन उन्होंने आलिया और सलमान के साथ भी एक्टिंग की हुई है। दुर्गेश का जन्म 21 अक्टूबर 1984 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। वे अपने माता पिता और दादा के साथ वहीं रहते थे। 2001 में उन्होंने बिहार में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में दुर्गेश इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते थे, लेकिन वह प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे। इसके बाद दुर्गेश ने दिल्ली के एक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने थिएटर में अभिनय करने का फैसला किया। उसके लिए दुर्गेश ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने अभिनय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उस समय उन्होंने कुल 35 नाटकों में अभिनय किया। इसके बाद दुर्गेश को बड़े पर्दे पर अभिनय करने की इच्छा हुई, लेकिन बार बार ऑडिशन देने के बाद भी वे असफल रहे। एक पुराने साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि उन्होंने लगातार 9 साल तक ऑडिशन दिया और अस्वीकार कर दिया गया। दुर्गेश ने साक्षात्कार में कहा, कास्टिंग डायरेक्टर मुझे बताते थे कि मेरे पास प्रतिभा है, मेरे पास अभिनय का कौशल है, लेकिन मैं ऑडिशन अच्छा नहीं दे पा रहा था। दुर्गेश ने बताया कि 2013 से 2022 तक करियर बनाने के रास्ते में उन्हें बार बार मुंहतोड़ हार का सामना करना पड़ा। उस मुश्किल समय में दुर्गेश को अपने परिवार का सहारा मिला। मजबूरन वो सॉफ्ट पोर्न में भी एक्टिंग की। इस बारे में वो कहते हैं कि एक्टिंग मेरी जान प्राण है, इसे चोर कर मैं जी नहीं सकता, इसलिए जो भी चांस मिली मैं करता चला गया, लेकिन मेरे एक्टिंग स्किल पर मेरा भरोसा था। 2014 में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म हाईवे में एक छोटे किरदार में अभिनय का मौका मिला दुर्गेश को। इस फिल्म के माध्यम से ही उन्होंने बड़े पर्दे पर आत्मप्रवेश किया। 2016 में सलमान खान और अनुष्का शर्मा अभिनीत सुल्तान फिल्म में भी अभिनय किया दुर्गेश ने। इसके अलावा बहन होगी तेरी, प्रीति अली, द ड्रीम जॉब, धड़क, सजू, बॉम्बेरिया जैसी कई हिंदी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करते हुए देखा गया उन्हें। कई हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के बावजूद करियर में सफलता का स्वाद नहीं चख पा रहे थे दुर्गेश। 2022 में रिलीज हुई पंचायत वेब सीरीज के दूसरे सीजन में भूषण के किरदार में अभिनय करके रातों रात लोकप्रिय हो गए वे। उनका देख रहा है विनोद संवाद भी प्रसिद्ध हो गया। जानता है विनोद, अंगूठा लेने के लिए फाइल लेकर घर तक जाते हैं। अरे इतना किरण राव के निर्देशन में लापता लेडीज फिल्म में भी सहायक भूमिका में अभिनय करते हुए दिखाई दिए दुर्गेश। चलती वर्ष में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई भक्षक फिल्म में भूमि पेडनेकर के साथ अभिनय किया उन्होंने। ओटीटी के पर्दे पर हाल ही में रिलीज हुई दर्द बिघा ज़मीन फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए दुर्गेश। चलती महीने में आदित्य चोपड़ा के निर्माण में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है महाराज। इस फिल्म के माध्यम से अभिनय जगत में कदम रखने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के पुत्र जुनैद खान। जुनैद के साथ साथ इस फिल्म में अभिनय करेंगे जयदीप अहलावत, शालिनी पांडे और दुर्गेश। अवकाश समय में खाना बनाना पसंद करते हैं दुर्गेश। उनकी तस्वीरें और वीडियो की झलकें उनकी सोशल मीडिया की पेज पर देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर पंचायत के भूषण के अनुयायियों की संख्या 62,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक लड़की से हो गया मुझे प्यार हो गया। उस लड़की ने मना कर दी। उस कंसीक्वेंस में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। 24 घंटे सिगरेट पी रहा हूँ। एक दिन में कितना डब्बा पी जाते थे? गोल्ड फेयर तो 4-5। उसके बाद SRFTI में चल रही है हम लोग की फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास। वर्ल्ड क्लास की फिल्में दिखाई जा रही हैं। अब मैं सिगरेट में धुन। वहां से मुझे स्मोकिंग की आदत लग गई। आज जब वो लड़की जिसने आपको रिजेक्ट किया, आज वो आपको देखती होगी तो आपको क्या लगता है? उसके 3 बच्चे हैं, वो अरबपति की बेटी। पीछे आप छोरे नहीं चाह पीछा छोरे नहीं, आप पूरा डिटेल आप निकाल के रखे हैं ना। हाँ, मैंने सोचा है जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बन तो गए महाराज आप। एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दूंगा, बस खत्म।